हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट थ्री ऑफ आवर टॉपिक कैपेसिटी। ठीक है, इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स बना चुके हैं। आप उनको देख लेंगे ज़रूर, क्योंकि आप उनको देखेंगे तभी आप ये पार्ट थर्ड को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट थ्री शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ एस्टिमेटिंग द कैपेसिटी एंड एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ कैपेसिटीज, ये भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। और इसके पहले हम लोग कन्वर्जन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये प्रीवियस दो पार्ट्स में सीख चुके हैं। ओके, अब ये जो मैंने बताया था, ये आई होप आपको याद होगा। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैंने ऑलरेडी इस पर चर्चा किया हुआ है और आपको ये याद होगा, आई एम श्योर। तो अब हम लोग डायरेक्ट अपना वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, ए कंटेनर हैज 43 लीटर 424 ml ऑफ वाटर। ठीक है ना, 43 लीटर 424 ml ऑफ वाटर। कंटेनर मतलब कोई भी कंटेनर जिसमें कोई चीज़, कोई लिक्विड होल्ड कर सकता है, जैसे जग हो गया, टैंकी हो गया, या कोई भी बड़ा चीज़ जिसमें कुछ लिक्विड होल्ड कर सकता है, उसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। अनदर कंटेनर हैज 23 लीटर 736 ml ऑफ वाटर। एक और दूसरा कंटेनर है, उसमें 23 लीटर और 736 ml पानी है। अब क्या किया गया कि बोथ कंटेनर्स आर एम्प्टीड इनटू ए लार्ज एम्प्टी कंटेनर। अब ये दोनों कंटेनर को एक बड़े से कंटेनर में खाली कर दिया गया। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज कीजिए ये एक कंटेनर है और एक ये एक कंटेनर है, इन दोनों में पानी रखा हुआ है। ठीक है ना, अब इन दोनों कंटेनर को एक बड़े से कंटेनर में खाली कर दिया गया, ये मतलब इसमें का पानी ये भरा हुआ है, पानी इसमें, इसमें भी पानी भरा है। ठीक है, इसमें भी इधर पानी भरा है, इसमें भरा नहीं है, इसमें खाली है। ठीक है, इसमें खाली है, लेकिन इसमें से दोनों में से खाली कर देके इसमें फिर भर देते हैं। ठीक है, इसमें से निकाल कर इसमें भर दिया जाता है, मतलब इन दोनों को इसमें खाली कर दिया जाता है। तो बता रहा है, हमको बताना है कि हाउ मच वाटर डज द लार्ज कंटेनर होल्ड नाउ। मतलब जब आपने इन दोनों कंटेनर में का पानी इसमें एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, मतलब इसमें उझल दिया, तो फिर इस वाले कंटेनर में अब कितना पानी हमें बताना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन दोनों ही पानी को इसमें ऐड किए हैं, तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल है, बस थोड़ा लिखना देखना, ध्यान देना है कि हम लोग लिखेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है तो स्टेटमेंट देना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि बस सिंपली हम लोग ऐड कर दिए और हमारा आंसर आ गया, थोड़ा स्टेटमेंट देना है। तो क्या गिवन है, अमाउंट ऑफ वाटर इन वन कंटेनर, equals to how much? तो 43 लीटर 424 ml। ये एक कंटेनर में वाटर का अमाउंट है। एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन अनदर कंटेनर, अनदर कंटेनर में कितना है, तो 23 लीटर 736 ml। ठीक है, ये गिवन है, ये हम लोग को क्वेश्चन में पता है। अब हम लोग को पता करना है कि जब उसको एम्प्टी कर दिया गया लार्ज एम्प्टी कंटेनर में, तो उस लार्ज एम्प्टी कंटेनर का अब कितना कैपेसिटी, मतलब अब तो वो एम्प्टी नहीं रहा, अब उसमें कुछ पानी आ गया है। तो चलिए लिखते हैं थस, लेकिन थस से पहले हम लोग को रीजन देना पड़ेगा, तो लिखते हैं सिंस।
these two containers are emptied into a large empty container since yeah both containers are emptied into a large container therefore the amount of water in the large container is equal to इक्वल टू क्या करेंगे तो ये जो दोनों कैपेसिटी यहां पे हमने लिखा है इसको प्लस करते हैं प्लस 23 लीटर 736 ml और प्लस तो आप कर सकते हैं है ना तो 4 प्लस 6 10 0 कैरी 1 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 7 प्लस 4 11 कैरी 1 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 and 4 plus 2 6 67 liter 160 milliliter this is the answer ठीक है तो किया क्या हमने तो जो दिया था पहले लिख लिया फिर उसके बाद चूंकि रीजन दे दिए क्यों इसको हम लोग प्लस किया उसका रीजन यही है क्योंकि दोनों कंटेनर को उस खाली कंटेनर में एम्प्टी किया जा रहा है इसीलिए हम लोग ऐड किए हैं ठीक है तो ऐड करना तो आता है पिछले पार्ट में हम लोग सीखे हैं तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन मिल गया अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं एक कंटेनर हैड 28 लीटर 710 ml ऑफ मिल्क है ना इस बार मिल्क आ गया कंटेनर की जगह मतलब वाटर की जगह इस बार मिल्क है लेकिन इस बार क्या हो रहा है इफ 12 लीटर 545 ml of milk was used up. मतलब यहाँ पे यूज हो जा रहा है मतलब खर्चा हो गया उसमें से ठीक है देन हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर नाउ कितना बच गया है ये बताना है तो ये इस बार हम लोग ऐड तो नहीं करेंगे ये बात तो आप समझ लीजिए क्या करेंगे तो बचा हुआ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तो स्टेटमेंट क्या होगा गिवन amount of milk in the container is equal to 28 liter 700 ml बस यही दिया हुआ है अब हम लोगों को रीजन लिखना है सेम्स 12 लीटर 545 ml ऑफ मिल्क वॉज यूज्ड अप देयरफॉर मतलब इतना यूज हो चुका है खर्चा हो गया है देयरफॉर The amount of milk left in the container is equal to subtract कर लेंगे जो total था जितना पहले उसमें से जो used up हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना तो आता है आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ठीक है बोरो करके करना पड़ेगा कर लेंगे आप सब्ट्रैक्शन
तो ये हो गया हमारा आंसर 16 लीटर 165 ml, इतना दूध अभी भी उसमें बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ड्रम हैड 40 लीटर 500 ml ऑफ वाटर, है ना। इस बार ड्रम है, एक ड्रम आप समझते ही हैं, सिलेंडर जैसा होता है, गोल, उसका बेस जो होता है उसका गोल होता है, लंबा होता है ड्रम जैसा। तो ड्रम में क्या है, 40 लीटर 500 ml पानी है। अब इसमें क्या होता है, 28 लीटर और 700 ml मोर वाटर वाज एडेड टू इट। हाँ, मतलब पहले से ही उसमें है 40 लीटर 500 ml, उसमें से 28 लीटर 700 ml वाटर और डाल दिया गया। नाउ 55 लीटर ऑफ वाटर वाज टेकन आउट ऑफ इट, मतलब उतना डालने के बाद फिर कुछ निकाला भी गया है। कितना निकाला गया है, तो 55 लीटर। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड इट कंटेन नाउ, मतलब इतना डालने और निकालने के बाद अब उसमें कितना पानी बचा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ड्रम गिवन क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 40 लीटर 500 ml। ठीक है, अब सिंस 28 लीटर 700 ml ऑफ वाटर वॉज एडेड, है ना, जोड़ दिया मतलब उसमें डाल दिया गया, एंड 55 लीटर ऑफ वाटर वॉज टेकन आउट। देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट, देयरफॉर नाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्वांटिटी लिख सकते हैं अमाउंट भी लिख सकते हैं ना, दोनों ही सही है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो पहले हम लोग जोड़ेंगे, पहले है इसमें इतना जो ऐड किया गया तो इसको ऐड करिए, इसको यहाँ पे स्पेस तो कम मिलेगा, हम लोग नीचे करते हैं। ठीक है, पहले प्लस करते हैं 40 लीटर 500 ml प्लस 28 लीटर 700 ml। तो प्लस किए हैं पहले इसको 002196 69 लीटर 200 ml। अब ये जो आया हमारा 69 लीटर 200 ml, इसमें से हमें कितना माइनस करना है, 55 लीटर, क्योंकि ये 55 लीटर माइनस किया गया। तो ध्यान दीजिएगा 55 लीटर माइनस करना है, तो हम लोग इसको लीटर के नीचे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 000, अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 5 गया 1, इन 14 लीटर 200 ml वाटर रहेगा, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो जो था उतना हमने लिख लिया, और अब रीजन दे दिए कि इतना ऐड किया गया है और इतना लीटर टेकन आउट, मतलब निकाल लिया गया, तो ऐड किया गया तो प्लस कर दिए तो टोटल हो गया ऐड करने के बाद, अब उसमें से इतना निकाल लिया गया तो इतना माइनस कर दिए, अब जो बचा वो हमारा फाइनल अमाउंट हो गया ऑफ द वाटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कंटेनर हैज द कैपेसिटी 2 लीटर 350 ml, ये तो बहुत ही सिंपल है, कह रहा है एक कंटेनर है जिसका कैपेसिटी है 2 लीटर 350 ml, मतलब बर्तन समझ लीजिए कंटेनर को, उसमें 2 लीटर 350 ml कोई भी लिक्विड उसमें आ सकता है ना,
अब उस कंटेनर से लेकर 20 टाइम्स कोई लिक्विड नापा गया है, 20 बार, मतलब उसको कोई लिक्विड में, जैसे सपोज कि पानी ही है तो पानी में डाला गया और फिर निकाल दिया गया, फिर ऐसे 20 टाइम्स किया गया, तो बताना है हमको कि 20 टाइम्स वो कितना लिक्विड को मेजर कर देगा। तो देखिए 20 टाइम्स है यानी 20 टाइम्स 20 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एक अच्छा सा बात है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टाइम्स लिखा हुआ है ऑलरेडी, टर्म्स हो, टर्म्स मतलब टर्न और टाइम लगभग एक ही होता है ना, 20 बार उसको उल्टा गया, टर्न 20 बार हाँ, या 20 टाइम्स, यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है सेम ही निकल रहा है दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसका स्टेटमेंट क्या देंगे वो देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर गिवेन, द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 2 लीटर 350 मिलीलीटर, ठीक है। सिंस अब यहाँ पे रीजन देने की जरूरत नहीं है, देर इज नथिंग लाइक दैट, हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देते हैं, थस द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विल इट मेजर इन 20 टर्म्स इन 20 टर्म्स इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसकी कैपेसिटी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करना तो आपको सिखाया गया था तो आप कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको बस मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। और हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ड्रम हैज 43 लीटर 575 ml ऑफ लिक्विड, है ना, एक ड्रम है जिसमें इतना लिक्विड है, लिक्विड मतलब कुछ भी, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी तरल पदार्थ। दिस लिक्विड इज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 7 कैंस, कैन समझते हैं, कैन भी वही होता है, कंटेनर को ही कैन भी कहते हैं, है ना, जिसमें कोई लिक्विड या कुछ चीज होल्ड करके रख सकते हैं उसको हम लोग कैंस भी कहते हैं। तो 7 सेम साइज के कैन रखे हुए हैं और उसमें बराबर बराबर हमको डालना है, ये जो टोटल लिक्विड है उसको बराबर बराबर हिस्सा करके उसमें डालना है। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मस्ट बी पुट इनटू ईच कैन, बोल रहा है कि हर एक कैन में कितना क्वांटिटी का लिक्विड डाला जाएगा। तो देखिए यहाँ बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बस अब थोड़ा हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, क्या लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ ड्रम गिवेन या द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द ड्रम, द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द ड्रम क्या होगा, 43 लीटर 575 ml, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है और क्या, द नंबर ऑफ कैंस, अच्छा ये भी लिख लेते हैं, अब ये भी बचा हुआ है, द नंबर ऑफ कैंस 7, 7 कैंस है। थस द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड या द अमाउंट ऑफ लिक्विड, हम लोग अमाउंट लिख रहे हैं ना, ऑफ लिक्विड मस्ट बी पुट इनटू ईच कैन, इतना लंबा नहीं लिखते हैं, सीधे यहीं पे रख देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ईच कैन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, डिवाइड 43 लीटर 575 ml, इसको डिवाइड कर लेना है किससे, डिवाइड बाय 7,
अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करना है इस तरह से। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। अभी लीटर आ गया, तो लीटर के बाद 5 हमको इसमें लिखना है, तो यहाँ पे लीटर लिख के तो 5 लिखना है। 7 2 14, 1 फिर 7, तो 7 अगेन, 7 2 14, 3 5। अभी 7 5 35, 35 क्या हो गया, पूरा कैंसिल यानी डिवीजन ओवर, तो ये हो गया मिल लीटर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6 liter 225 ml, एंड दिस इज द आंसर। तो आपको ये रफ करना है, मतलब दिस इज नॉट रफ वर्क, आपको अपने कॉपी में ही करना है इसको, ठीक है, वहीं पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। ए ड्रम ऑफ कैपेसिटी 18 लीटर 500 ml नाउ हैज 12 लीटर 600 ml ऑफ ऑयल। समझिएगा इसको, एक ड्रम है जिसकी कैपेसिटी है 18 लीटर 500 ml, मतलब 18 लीटर 500 ml लिक्विड उसमें रखा जा सकता है ना मैक्सिमम, लेकिन उसमें है कितना, 12 लीटर 600 ml ऑफ ऑयल, मतलब उसमें 18 लीटर 500 ml ऑयल आ सकता है लेकिन है उसमें 12 लीटर 600 ml, है ना, पूरा भरा हुआ नहीं है। अब कह रहा है कि ड्यू टू ए लीक एट द बॉटम 100 ml ऑफ ऑयल इज लॉस्ट एवरी आवर, 100 ml लॉस्ट एवरी आवर, इस बात को ध्यान समझिएगा, हर एक घंटा में 100 ml ऑयल उसमें से लीक कर जा रहा है, यानी अभी अगर 2 बज रहा है तो 3 बजते बजते उसमें से 100 ml जो ऑयल है वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उस तरह से 4 बजे तक 200 ml माइनस हो जाएगा, है ना, मतलब हर एक घंटे में 100 ml माइनस हो रहा है। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू मेक द ऑयल इन ड्रम रिड्यूस टू 10 लीटर। अब कह रहा है कितने समय में उसमें मात्र 10 लीटर ऑयल रह जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि 10 लीटर से ये कितना ज्यादा है, 12 लीटर 600 ml। हेयर सॉल्यूशन पहले देते हैं, सॉल्यूशन गिवन। अब इसको थोड़ा हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे, इसको वैसे बनाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसे हम लोग सीधे पहले वही निकाल लेते हैं। हेयर 12 लीटर 600 ml में से हम लोग माइनस कर लेते हैं 10 लीटर एंड 000 ml। क्यों माइनस किए 10 लीटर, क्योंकि ये 10 लीटर हो जा रहा है लास्ट में, है ना, तो 10 लीटर माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा ये 006 एंड हियर 2 लीटर 600 ml, है ना, मतलब कि 2 लीटर 600 ml ऑयल उसमें से रिड्यूस हो गया, निकल गया। अब ये निकलने में कितना समय लगा हमें ये बताना है, हाउ मेनी आवर्स, कितना समय लगेगा। तो पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मिल लीटर में, तो 2 × 1000 प्लस 600 मतलब हो गया 2600 ml, ठीक है, 2600 ml ऑयल उसमें से निकल गया है। नाउ अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, नाउ द टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम निकालना है हम लोग को, जो टोटल देखिए ये इतना निकला है 2600 ml निकल गया है, और किस रेट से, तो 100 ml पर आवर के रेट से, तो 100 ml से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए 100 से ये 26 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 26 आवर्स हो जाएगा आंसर, मतलब उसको 26 आवर्स लगेंगे 10 लीटर तक रह जाने में, है ना,
ओके तो थोड़ा सा ये अलग तरह का सवाल था, अलग तरह से बना है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसमें कैपेसिटी दिया हुआ है 18 लीटर 500 ml, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि उतना तक वो आ सकता है मगर उतना है नहीं। है कितना? तो मात्र 12 लीटर 600 ml तेल है उसमें, 12 लीटर 600 ml तेल उसमें है। अब क्वेश्चन ये है कि वो लीक हो रहा है ना, 100 ml हर एक घंटे में 100 ml तेल निकल जा रहा है उसमें से, लीक कर जा, टपक जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ऐसे ही टपकते रहा तो कितने देर में 10 लीटर ऑयल उसमें रह जाएगा, है ना। तो कितना, अब यानी 10 लीटर आने में कितना तेल उसमें से निकलेगा ये हमें पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो सब्ट्रैक्ट की तो हमें पता चला कि 10 लीटर तक होने के लिए उसमें से 2 लीटर 600 ml ऑयल लीक हो जाना चाहिए, तभी ना 10 लीटर बचेगा। अब इसको हम लोग मिल लीटर में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि 2600 ml ऑयल उसमें से निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक घंटे में 100 ml निकल रहा है, तो 2600 ml निकालने में कितना समय लगेगा? तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 26, और यही हमारा हो जाएगा समय जितना उसको लगेगा, है ना। तो इसी के साथ हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है कैपेसिटी का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये तीनों पार्ट्स को देखना है अच्छे से, और देखकर अपना जो बुक में जितना भी दिया हुआ एक्सरसाइज क्वेश्चंस उसको बनाना है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी तीनों पार्ट्स में, तो आप आसानी से उसको बना लेंगे पहले, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी आप फिर बना लेंगे। अगर कुछ और क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया, जो नहीं बनाया, जो आपके लिए छोड़ा हुआ है, उसको भी आप लोग बना लेंगे, और उसके बाद ही आपका ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। नहीं बनाइएगा, नहीं देखिएगा तीनों पार्ट्स, तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब आप जाइएगा तो आपको इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से उनको देख लीजिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपना इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं आज, और फिर आपसे मिलेंगे एक अगले टॉपिक में, ठीक है, एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।